वो मैच होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो मैच क्यों होना चाहिए, असल मसला ये है कि मेरा अकाउंट एक्स वाई जेड के नाम से है और एक्स वाई जेड ने ऑलरेडी बहुत सारे हजार 10 हजार डॉलर क्रेडिट हो गए। अब उस पेमेंट को मान लीजिए मुझे माजिद पठान सर को पेमेंट करना है, तो मैं माजिद पठान का सर का अकाउंट नेम अकाउंट नंबर डालूंगा और उनका आइडेंटिटी अपलोड करूंगा। ये होना चाहिए ना, क्योंकि वो वॉलेट तो हमारा ग्लोबल बैंक है ना आने वाले टाइम पे। तो मैं यहाँ पे जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो वॉलेट जो है आने वाले टाइम पे हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट होल्डिंग बैंक होने वाला है, वर्ल्ड लेवल पे ये चलने वाला है कि मैं किसी भी करेंसी पे मैं इसके थ्रू आजाद रहूंगा। तो मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये सही है या इसका कुछ लिमिटेड एक इन्वायरमेंट रहेगा वो वॉलेट का, तो प्लीज इसको क्लियर कीजिए। सो ऐसा है, देखिए जो ओ वॉलेट है ना, बहुत बहुत बड़ी चीज है बेसिकली। तो अभी ओ वॉलेट है, जस्ट ये मान के चलो कि अभी 6 महीने का बच्चा है अभी अभी ये जो आप ओ वॉलेट देख रहे हो। ओके, इसके आने वाले टाइम में बहुत बहुत सारे यूजेस होने वाले हैं ओ वॉलेट के। राइट, अभी आप जो लोग देख रहे हो कि आप वहां पे आपकी आइडेंटिटी अपलोड कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ओ वॉलेट का। ओके, इसके आप पैसा किसको भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बहुत कुछ आने वाला है इसके बीच में। राइट, तो अभी जस्ट वेट करिए। ओके, अभी ये जस्ट 6 महीने का बच्चा है, ये जो ओ वॉलेट या चीजें आप देख रहे हो जस्ट आपके लिए हो रही हैं। अभी इसको जब बड़े स्फीयर में आप देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसी चीजें हैं, ये एक एक तरह का गेटवे है। ओके, ये आने वाले टाइम का दुनिया का गेटवे है, ये जो ओ वॉलेट है। राइट, इसमें बहुत कुछ रेमिटेंसेस हो रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, बैंकिंग प्रोसीजर्स हो रहे होंगे इसके थ्रू। तो इसलिए जस्ट अभी वेट करिए, अभी आपको आने वाले दिनों में इसके, क्योंकि जब वो वेरीफाई अभी हमारा आ जाएगा, वेरिफिकेशन कैसी हो रही है आपकी, फेशियल रिकग्निशन और ये और वो, मतलब ये नेक्स्ट लेवल का एक वॉलेट है। आपका फेशियल रिकग्निशन ही सारा वॉलेट होगा, अब देखते रहना, जस्ट वेट करिए। ओके, तो डेफिनेटली अब आप अपनी आईडी को क्यों अपलोड करें, क्योंकि आप उस आईडी के मालिक हो और आपका जो भी है सिस्टम या आपकी जो भी चीजें वो मैच होनी चाहिए, तब आपको कंपनी पैसा रिलीज आपको कर रही है। ओके, कंपनी अभी वॉलेट टू वॉलेट या B2B बिजनेस और ये वो वहां पे नहीं अभी अभी कर रही अलाउ। ओके, तो जब वो करेगी तो मे भी आने वाली फ्यूचर में ये भी होगा कि शायद आप उनकी जहां पे पैसा जा रहा है उनकी आइडेंटिटी को भी अपलोड कर पाओगे। ओके, सो जस्ट वेट, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुए हैं। ओके ओके सर, मुझे पूछना ये है कि जी बहुत सारी चीजें जो है हिडन होती है और पहले कहा जाता है बाद में वो हाइड हो जाता है। जैसे कि मैं अग्री हूँ मिस्टर केडी शुक्ला सर जी, जब पहले सबसे ज्यादा उनका नारा था थ्री एंड फ्री वाला, जो ओके आज सच हो गया और ये हमने पाया जी कि वाकई थ्री एंड फ्री। तो फिर उसके बाद लेकिन वो सारी चीजें बंद हो गई थी। असल मसला सर यहाँ पे कोई भी चीज जो है ऑफिशियली क्यों नहीं आ रहा है, जैसे मैं सुना हूँ, पता नहीं ये बात मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं एक्चुअली सर जानना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर में हम ऑन पैसिव में अपने लिए क्या करें, जैसे कि बहुत से लोग को ऐसे हुए जो अपना फाउंडरशिप लिए और वो शांत बैठ गए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही बातें हुई कि भाई बस आप फाउंडर बन जाओ और रिलैक्स हो जाओ, आने वाले टाइम पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब कुछ आपके लिए करेगी, यही वर्ड था। पर आज जब लोग देख रहे हैं वही जीरो वाले कि भाई कोई तीन कोई चार कोई कुछ जो भी है सम क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बोला मैं भी काश कर लेता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको मना तो नहीं किया गया था, पर यह भी तो कहा गया था कि अकेले हो जाओ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने एक जमाने से सोशल मीडिया को देखा है, जब एक टाइम पे याहू मैसेंजर आया था तो याहू मैसेंजर एक जस्ट माध्यम था, पर लोगों ने अपने अपने नीड के एतबार से उसको यूज किया। उसके बाद ऑरकुट आया, फिर फेसबुक आता था उस जमाने में जब खोलते ही बंद करने को दिल करता था। गूगल को हम लोग बोलते थे अपने टेक्निकल फील्ड में, जब हमारे दोस्त कहते थे कि यार गूगल यूज किया करो, जब याहू सर चलता था तो गूगल भी एकदम फालतू लगता था, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, खोलते ही ये बोलते हैं क्या गूगली उगली आ रही, अच्छा नहीं है।
अब आज के टाइम पे ऑन पैसिव है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए और हम जो उसको अपने नीड के एतबार से काम कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव जो है इसमें तो बहुत सारी चीजें है ना, क्रेडिट्स को लेके भी और अपने सोशल वर्क को लेके भी, एक्टिविटीज को भी लेके भी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना मिशन कैसे रेडी करना चाहिए इसके साथ, जैसे ओनेट हो गया, ओमेल हो गया, हम ओमेल क्यों यूज करें, जस्ट फॉर द फीचर्स और सम क्रेडिट्स। ओनेट क्यों यूज करें, हम अपने फीचर्स को, अपने चैनल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए तो और भी माध्यम पड़े हुए हैं मार्केट में, को वनेट ही क्यों। इसी तरह वो ट्रीम है, इसी तरह और भी ऑन पैसिफिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें स्पेशल क्या है, सिर्फ टेक्निकल एतबार ही स्पेशल है या कुछ क्रेडिट्स भी इसके अंदर है जो हम एक्टिविटी करेंगे जो क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। तो ये कंक्रीट एक ऑफिशियल चार्ट क्यों नहीं आ रहा है ताकि सबको मालूम पड़े, क्योंकि लीडर से कुछ फोन पे बात होती है तो वो अलग आता है और ये कभी ऑफिशियली नहीं कहा जाता है। बहुत सारे ग्रुप में कुछ बात ऐसी आती है जो ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसके लिए सर क्या करें, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मतलब जिसके लिए हम अपना आगे का मिशन जो है हम अपना बनाए और वो नेट पे हम ज्यादा देर रहे, वो मेल को यूज करें, वो ट्रिम को यूज करें, वो कनेक्ट को यूज करें, एक नीड दीजिए सर हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर के डी शुक्ला ने कहा है कि थ्री इज ए फ्री। तो पहली बात, ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं कहा, ये मिस्टर ऐश ने कहा था। ये मिस्टर ऐश का नारा था कि थ्री इज फ्री। ओके, तो ये डॉक्टर के डी शुक्ला ने नहीं ऐसा कुछ भी कहा। द थिंग इज दैट हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं हमने अपने सिस्टम्स में, डिपेंडिंग अपॉन लीगैलिटीज। ओके, सो बिकॉज ऑन पैसिव एक लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रही है, तो कभी भी कहाँ पे कभी कुछ ऐसा लीगैलिटीज में जब कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम्स हैं, वो गाइड करती हैं ऑन पैसिव को कि कैसे क्या है, तो इसीलिए कई बार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, ठीक है, फाउंडिंग जो मेंबर हैं ये 1 साल के बाद इनका इनको अलग से नाम दे दिया जाएगा, क्या गया? वो एक, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में फाउंडर जो होता है या फाउंडिंग मेंबर, उसकी अलग एक डेफिनेशन होती है, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ओके, तो इसलिए उसको चेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसको इसको गलत ही ट्रांसफॉर्म कर दिया कि 1 साल के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, ये करे कुछ वीडियोज वालों ने कुछ, ये वो पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं उनके अपने अपने दिमाग, तो ऐसा नहीं है। ओके, कुछ अलग से नाम दे दिया जाएगा। ओके, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लीगैलिटीज के ऊपर। तो ऐसा है टाइम टू टाइम, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि ऑन पैसिव ने पहले तो ये कहा था, अब ये कहा था, बट द ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ओके, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो डन डील का है वो सेम है। ओके, तो बस इतना समझा करो कि जो डन डील है वो सेम है आपके लिए, सबके लिए, वो वही वही है, वही रहेगी, और जितने भी हम लोग फाउंडिंग मेंबर उनके लिए सब कुछ मिस्टर एस ने ऐसे ही सोचा हुआ है। ये बात होगी। सेकंड, आपका ये जो क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ओके, आपको ऑन पैसिव जो है ना, अब अगर चाहे फाउंडर हो चाहे नए नए जो भी लोग आएंगे, ओके, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है दुनिया की सारी चीजों का। ओके, तो इसमें अगर आप क्रेडिट ढूंढ रहे हो, ओके, ढूंढिए, वो भी है यहाँ पे। इसमें आप अपना बिजनेस ढूंढ रहे हो, आइए, वो भी है यहाँ पे। ओके, इसमें आप रह के यहाँ पे कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, तब भी आप सक्सेसफुल हो यहाँ पे। ओके, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये जो ऑन पैसिव है। आपने अपने गोल्स हैं वो क्या करना है बेसिकली, कुछ कोई लोग अब एक्टिव हुए हैं, ओके, वेरी गुड, अब हो जाओ, अभी भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। कुछ लोग हमारे जैसे 2018 में जैसे ही ज्वाइन हुए हम काम पे लग गए। एक बार मिस्टर एश ने बोला था कि जैसे ही गुरसमिंदर ज्वाइन हुए वो आते ही काम पे लगे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे वेबसाइट है नहीं है, नथिंग। ओके, वो काम पे लग गया आके। ओके, तो हम उस टाइम काम पे लग गया क्योंकि हमें उसी टाइम कुछ समझ आ गया था। 2018 में और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, वो आज तक आराम से बैठे हुए हैं, ओके, गुड, बट वो 2018 के एक पोजीशन तो होल्ड करके बैठे हुए हैं ना। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के लोग आएंगे, डिफरेंट उनके गोल्स होंगे। किसी का कोई पैसा कमाना चाह रहा होगा यहाँ पे, कुछ इसकी वैल्यू लेना, प्रोडक्ट्स की लेना चाह रहा होगा, कुछ एक्चुअल में रियल यूजर होंगे जिनको एक्चुअल में ये चीजें चाहिए होंगी। ओके, तो बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज की हम बात कर ले, आज आज एक नया आदमी या एक फाउंडर मान लो, दोनों हैं आज की डेट में, ओके, एज ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर 2023, आज सोचते हैं कि ओके,
ये यार अपॉर्चुनिटी अब मुझे समझ आ गई है, आज आ गई है समझ, इसको छोड़ो ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले 1 2 3 साल में बनाने वाला हूं, मुझे समझ आ गया अब सब कुछ यहाँ पे। वो अभी भी शुरू वही वही काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। वो आज भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, आज भी उसको लगता है कि पैसा यहाँ पे कैसे आएगा, वो समझ गया है। ओके, पैसा यहाँ पे एक तो कंपनी लेके आ रही है, हमें हमें डन डील के जरिए जो कंपनी हमें एफिलिएट्स देने वाले उसके जरा ले रहे। ओके, एक तो वो उसको समझ आ गया, दूसरा उसको समझ गया कि अगर इसके साथ में मैं भी अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल दूंगा, मैं भी जाता हूं, जैसे कि 2018 से लोग जाते रहे मार्केट में, क्योंकि अब मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मेरे पास चीजें हैं लोगों को समझाने के लिए, तो अगर इसमें मैं भी अपना थोड़ा एफर्ट डाल देता हूँ तो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा काम। ओके, तो वो भी वो कर सकता है आज की डेट में ही। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव की डेफिनेशन इतनी है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी का, वो पैसे से शुरू कर, क्रेडिट शुरू कर लो वहां से शुरू होके, और प्रोफेशनल फील्ड तो जो भी कुछ है ये ऑन पैसे कॉन्सेप्ट, इसलिए मिस्टर एश ने ये बना के रखा हुआ है, किसी को कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े, और धीरे 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 सब लोग आते जाएं, जैसे हम लोग 14 लाख आए हैं। ओके, जिस दिन हम 14 लाख बंद हुए थे तो क्या हुआ था, हमें मालूम था क्या, या जाइटेक्स होने वाली है या ये कुछ होने वाला, नहीं मालूम था हमें। ओके, तो बट मिस्टर एश को मालूम था कि बहुत बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत बहुत सारी मैं कलेबरेशन करने वाला हूँ, और वहां से मैं लोगों को लेके आने वाला हूँ, और यहाँ पे जो लोग सिंगल भी होंगे या वो बा, उनको मैं ये वो लोग देने वाला हूँ। ओके, तो ये टाइम टू टाइम मिस्टर, तो वो क्या थी, वो प्लानिंग थी मिस्टर एश की। ओके, तो ऐसी ही प्लानिंग हम आज, हम खुद, हम एज ए सिंगल फाउंडर, हम एज ए टीम वाले फाउंडर, हम एज ए न्यू यूजर, आज भी हम ये आज एज ऑफ 17th October ये प्लानिंग हम खुद भी कर सकते हैं, आज की डेट में भी हम बहुत सारे लोग शुरू हो सकते हैं, और धीरे धीरे लोगों को समझा सकते हैं, अगर समझाना चाहे, नहीं समझाना चाहे, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे तो क्रेडिट्स वेडिट्स ये लेने हैं, मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कर, ओके ठीक है वो कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये करना है, मुझे वो, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्लियर रही है अपने माइंड में, पहले आप देखिए कि मैंने क्या करना है। ओके, आपको लगता है कि ओके जितने जितने क्रेडिट हैं मुझे उतने ही बहुत है, ओके गुड है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इंटरनेट पे आप काम कर रहे हो, इंटरनेट की आपकी कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, यहाँ पे जो क्रेडिट्स और ये है ना, ये एक बाय प्रोडक्ट है इंटरनेट का, मैं बता रहा हूँ। ओके, बाई प्रोडक्ट है इंटरनेट का, यहाँ पे टेक्निकल लोग बैठे होंगे, माधव बैठे थे पहले यहाँ पे, ओके मुकेश सागर है और भी बहुत सारे लोग टेक्निकल बैठे हैं, ये इंटरनेट का बाई प्रोडक्ट है, ये जो क्रेडिट है क्यों है, वो एक इंटरनेट, वो किस दिन बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे हम सब लोग, तो वो तो जनरेट होती रहेंगे, कंपनी भी आपको जनरेट कर करके देती रहेगी वो, चाहे आप यूज कर रहे हो चीजों को, क्यों यूज, क्योंकि आप इंटरनेट पे हो, आप वो चीजें यूज कर, इंटरनेट को यूज कर रहे हो, तो ट्रू फॉर्म में वो जो आपको क्रेडिट्स आज तक नहीं मिल रहे थे बेसिकली, ओके, वो आपको मिलने शुरू हो गए, तो अगर आपका गोल वो भी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो ये डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स हैं, कितनी आप इसमें एफर्ट डालोगे ये वही है। हम लोग देखो आज की, हमें ये वेबिनार्स करने की जरूरत नहीं है ओवरऑल, बट हम कर रहे हैं, ये हमारी हमारी एफर्ट है, क्यों, हम चाहते हैं कि यस हम इसको ऑन पैसिव को और अच्छे स्केल तक लोगों के लिए लेके जाएं, इंडिया में लेके जाएं। ओके, इंडिया में लोगों को समझाएं, लोगों को अपलिफ्ट करें, लोग जो जूझ रहे हैं दिन रात ऐसी वाली चीजों में, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आइए, लुक हियर इज ऑप्शन ऑन पैसिव, आप फ्री में ला सकते हो आज भी, आप उनको ये मत कहिए कि आपको यहाँ परचेज करना पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए परचेज वाले चीज को। ओके, उसको उनको ये बताया कि एक बिजनेस है ऐसा जहां पे आप फ्री में आ सकते हो, आइए आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल, परखिए, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपका आपके लिए बिजनेस, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपने लाइन, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है, तो फ्री में आप यहाँ पे पता नहीं किस किस लोगों को यहाँ पे ला सकते हो बिना कुछ लिए हुए। अभी उनको उनको पे करना नहीं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हमें उनको उनको ये नहीं कहना कि तू तू दे और तब तू, वो अपने आप समझे पहले सिस्टम को। ओके, और सिस्टम को समझ के जब उनको समझ आ जाएगा वो अपने आप यहां से कभी जाएंगे। तो इसलिए जब मिस्टर ऐश कहते हैं कि ये यहाँ पे कुछ तो अट्रैक्शन के तौर पे आ जाएंगे,
किसी को मालूम चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ बढ़िया हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम आने वाले 2-4 सालों में, 5 सालों में हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ऐसे ही सारी कंपनियां जहां पे जिसको कुछ मिल नहीं रहा था फेसबुक से लेके और जितने भी है, वो अगर सक्सेसफुल हो गई है तो यहाँ पे तो मिल ही बहुत कुछ रहा है आदमी को अब उसको सक्सेस होने के लिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी ये बात बनने वाली है ऑन पैसे। तो ये अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं। आई थिंक आप सबको आज बड़े काफी लेबरेट तरीके से समझ आ गया होगा कि ऑन पैसिव एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर एवरीथिंग, पैसे से लेके, प्रोडक्ट से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, किसी भी चीज से लेके आप मान लो, तो ये आपकी ऑन पैसिव है, यही ऑन